नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 9th का ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.2 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फोर पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल वाई इज इक्वल टू 45, एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बेस में हमारा क्या आ रहा है, वाई जेड आ रहा है। तो हम एक बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यह दिया हुआ है बेस 7.4 सेंटीमीटर और एंगल वाई दिया हुआ है 45 डिग्री, इतना दिया हुआ है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब एक्स वाई में से, ध्यान दीजिए, जब एक्स वाई में से आप वाई जेड को माइनस करते हो तो बचेगा हमारा 2.7। मतलब यह सपोज करिए, ध्यान से देखिए, यह वाली साइड सपोज करिए मार्कर इतना है और इसको ये मार्कर हमारा इतना आ रहा है, हमने यहाँ तक तो माइनस कर दिया। यह पार्ट इक्वल है और इन दोनों पार्ट, बिकॉज यह पार्ट पूरा पार्ट कितना हमारा एक्स वाई है, उसमें से हमें एक्स जेड की वैल्यू समझिए यह है जिसका नाम लेते हैं डी, एक्स डी को हम माइनस करते हैं यहाँ पे। मतलब एक्स जेड किसके इक्वल है, एक्स डी के इक्वल है। एक्स जेड और एक्स डी इक्वल है, मतलब हमने एक्स वाई में से एक्स जेड या एक्स डी को माइनस किया तो बचा हुआ वैल्यू कितना आता है, 2.7 आता है, यही दिया हुआ है। और जो हमने डी लिया है, अब देखिए यह दोनों कभी इक्वल होंगे, जब हम क्या करेंगे, डी जेड का क्या ड्रॉ करेंगे, बाईसेक्टर, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ही हमारा यह साइड है, यह साइड क्या इक्वल आएगा। मतलब एक्स जेड और एक्स डी इक्वल आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी जेड को बाईसेक्ट, परपेंडिकुलर बाईसेक्ट करना पड़ेगा। फिर ध्यान देख लीजिए, एक्स वाई बड़ा था इसीलिए हमारा पॉइंट ऊपर आया, और सपोज करिए एक्स वाई छोटा होता तो ये पॉइंट नीचे भी हो सकता था। चलिए हम इसका फेर बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं, वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर का, इस पे एंगल वाई पे बनाना है 45 का, तो हम यहाँ पे डी रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 45 लिए यहाँ पे और इसको आगे तक बढ़ा दिए, हो गया। अब यहाँ से हमें जो D लेना हो, कितने की दूरी पे लेना है, 2.7, तो हम यहाँ पे रखेंगे अपना राउंडर और 2.7 का एक आर्क मार देंगे, लिख देंगे 2.7 सेंटीमीटर है, इसका नाम D है और D से किसको हम ज्वाइन कर देंगे, Z को। अब ये डी जेड हमारा हो गया। अब देखिए यक्स डी और यक्स जेड, यक्स जेड और यक्स डी कब इक्वल होगा, जब हम डी जेड का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे रखें हाफ, मोर देन हाफ लेके, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, और ऐसे ही एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं और आगे तक बढ़ने देते हैं, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यह हमारा परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अब यह जो मिलेगा वह हमारा क्या रहेगा, यक्स, और यक्स से हम क्या कर देंगे, जेड को ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल यक्स वाई जेड, यह हमारा ट्रायंगल यक्स वाई जेड बन गया। देखिए यह दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ तो 3 मार्किंग किया, यहाँ पे हमने 2 मार्किंग किया है, और एंगल हमने कितने का लिया था, 45 डिग्री का लिया था। देखिए इस तरह वह क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट होगा, करना बहुत ईजी था, आप इसको अच्छे से अपनी बुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू, मतलब एंगल क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, वहाँ 60 अगर हम लेते हैं तो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसको 40 डिग्री बना लेते हैं, एंड पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। जहाँ पे देखिए 60 डिग्री दिया है वहाँ पे आप 40 डिग्री बना लीजिएगा। चलिए तो हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं रफ डायग्राम, ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू आर बेस है, बेस दिया हुआ है हमारा 6.5 सेंटीमीटर और जो एंगल क्यू दिया हुआ है वह हमारा है 60, लेकिन हम उसको क्या बना लिए हैं, 40। अगर 60 बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन हमारा होगा नहीं। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू माइनस पी आर, सेम पहले जैसा है, पी क्यू में से पी आर को माइनस कर, मतलब ये बड़ा आ रहा है, मतलब डी हमारा जो आएगा ऊपर ही आएगा, इस कितना आएगा माइनस करने पे, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब यह और यह इक्वल है, मतलब कौन कौन इक्वल है, पी आर और पी डी क्या है, इक्वल है, पी आर और पी डी इक्वल है, और हम इसको डी से आर को ज्वाइन कर देते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर का
बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। पर बिंदु को बाइसेक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा। तो चलिए हम फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्यू आर ड्रॉ किए, 6.5 सेंटीमीटर का एंगल कितने बनाना है, 40 का, 60 का नहीं बनाइएगा आप, 40 का बना दिए हम सब। ये 40 यहाँ पे लिए, यहाँ पे अपना डी रखे थे और काउंट गए, यहाँ पे 40 आया, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे रख के 40 डिग्री दे देते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं और डी हमें कितने पे इतने लेना है, 2.5 पे। तो यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर पे डी। डी से आर को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब डी आर को जब हम बाइसेक करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस लाइन पे जहाँ पे वो ज्वाइन होगा वही हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो चलिए पी डी आर को बाइसेक करते हैं। डी पे रखे हाफ, मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, सेम वही आर्क डी पे रखे, आर पे रखे एक ऊपर और एक नीचे आर्क, और इसको क्या करते हैं हम सीधे आगे बढ़ा देते हैं। यह हमारा परपेंडिकुलर है, यह साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहाँ पे जो कटा हुआ हमारा कौन सा आ जाएगा, पॉइंट पी, और पी से हम आर को ज्वाइन कर देते हैं। यह बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर, बन गया हमारा ट्रायंगल। अब पी क्यू में से जब पी आर मतलब यह माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, डी क्यू ए आएगा ना, मतलब पी क्यू हमारा बड़ा था। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 6, मतलब बेस दिया है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी दिया 100। देखिए एंगल बी 100 दिया है, 100 डिग्री हम बना नहीं सकते हैं, उसको हम कितना लेते हैं, 80 डिग्री कर लेते हैं। एंड ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम हमारा कुछ इस तरह होगा, ए बी सी, यह ए है, यह बी है, यह सी है, बेस हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल बी दिया हुआ है 100, लेकिन हम उसको कितना लेने वाले हैं, 80। अगर 100 लेते हैं तो हमारा ये ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, इसे हम उसको 80 कर दिए। अब देखिए ध्यान से, पहले कैसा था, ए बी माइनस ए सी करता था, अब लेकिन ए सी माइनस ए बी है, मतलब ए सी मतलब इस तरह ए सी इतना बड़ा है सपोज करिए, तो ए सी इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ तक ए सी ही आने वाला है। अब उस ए सी में से जब ए बी माइनस करते हैं तो कितना बचता है, वह बचता है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यह नीचे वाला जो पार्ट है यह बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक यह जो डी हमने लिया है, यह डी सी, ध्यान देखिए डी सी को ही हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए पहले फिर से अच्छे से, वहाँ पे कैसे समूह करते थे, ए बी में से ए सी माइनस करना रहता था, आगे वाली साइड में से पीछे वाली, लेकिन यहाँ पे क्या, पीछे वाली साइड में से आगे वाली माइनस करना है, मतलब ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पे ए डी के इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू किसके है, ए डी के है, और उसी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, डी है, सॉरी बी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, AC और AD इक्वल है, जब AC और AD इक्वल है तो AC में से AB को माइनस करेंगे तो ही तो क्या बचेगा, BD ना, मतलब हमारा ये BD की वैल्यू कितनी दी गई, 2.5 दी गई है। चलिए तो हम इसका फेयर बनाते हैं, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं, बेस हमारा क्या है, BC है, यहाँ बी लिए, यहाँ पे सी कितने का, 6 सेंटीमीटर का, इस पे एंगल हमें बनाना है 40 डिग्री का, यहाँ पे डी रखे हमने, डी रखे काउंट किए, यहाँ हमारा 80 से हम इसको नीचे तक थोड़ा ले लेंगे क्योंकि हमें डी नीचे चाहिए। अब बी से डी कितना है, 2.5 है, नीचे साइड में है तो हमने यहाँ पे बी पे रखा, 2.5 का एक आर्क मार दिया, 2.5 सेंटीमीटर का क्या मिल गया हमारा, डी। अब डी से हम किसको ज्वाइन कर देते हैं, सी को, ये हमारा डी सी। अब डी सी को जब हम बाइसेक करेंगे तो ही हमारा क्या पॉइंट ए आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, डी पे रखे हाफ, मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क मारे एक नीचे आर्क मारे, सेम वही आर्क एक ऊपर और एक नीचे, और इसको हम क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए हमने डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इसके ऊपर जो पॉइंट आया हुआ वो हमारा क्या रहेगा, ए, ए से हम सी को ज्वाइन कर देते हैं, और यह कितना लिख देते हैं, 80 डिग्री का, यह हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन गया। ध्यान दीजिएगा अच्छे से इसको बनाइएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।